वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्म दी टेररिस्ट का, दोस्तों जिसकी हिंदी डब वर्षन की वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हुआ था पिछले दिन को, यानी कि 13 मई को रात को 8 बजे जी एक्शन पर। और इस फिल्म की हिंदी डब वर्षन की यूट्यूब प्रीमियर का कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों रिसेंटली मैंने इस फिल्म की हिंदी डब वर्षन को देख लिया है, और देख लेने के बाद ये फिल्म मुझे कैसे लगी है, ये फिल्म आपको देखना चाहिए भी ना चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात ना करते हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दी टेररिस्ट जो कि साल 2018 में हुई कनाडा लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की जाने माने एक्ट्रेस रागिनी। अब दोस्तों बात करें फिल्म को डायरेक्ट कौन किया था, फिल्म को डायरेक्ट किया था पीसी शेखर ने। अब दोस्तों बात करें ये फिल्म मुझे कैसे लगी, भाई सच बताओ ये फिल्म मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से मुझे उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, फिर भी इस फिल्म को देखने के बाद ये फिल्म मुझे इम्प्रेस किया है। अब इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी खास बन जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में, यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। फिल्म की कहानी रेशमा और आसमान नाम की दो बहन के गीत घूमते है, जो कि बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी जी रहे होते हैं। इन कहानी आगे बढ़ते जब रेशमा की छोटी बहन को यानी कि आसमा को कुछ टेररिस्ट वाले किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद वो टेररिस्ट वाले आसमा को फ्री करवाने के लिए रेशमा के पास कॉल करते हैं और उसे कुछ काम सौंपते हैं। तो आखिर में जाकर के रेशमा उस सारे काम को अंजाम दे पाएगी और उसकी बहन को छुड़ा पाएगी या फिर ना पाएगी, यही सब चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ती है। दोस्तों मूवी की जो स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन इसी सिंपल स्टोरी को जितनी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है वो सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत से लेकर फिल्म की आखिर पॉइंट तक एक कमाल की थ्रिलर फिल्म के अंदर घूमती है, जिसकी वजह से फिल्म देखते टाइम और भी मजा आ जाता है। वहीं पर दोस्तों बात करें फिल्म की स्क्रीन प्ले की, फिल्म की स्क्रीन प्ले काफी अच्छा था, जिसकी वजह से फिल्म को देखते टाइम आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होता है और आप फिल्म के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर दो चीज है जो कि मुझे पसंद नहीं आई है, उनमें से एक है फिल्म की कैमरा वर्क और दूसरे फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। जी हां दोस्तों, फिल्म की जो कैमरा वर्क है वो काफी ज्यादा खराब है और उसके साथ जो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी दिखाई गई है वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अब दोस्तों बात करें कलाकारों की परफॉर्मेंस के बाद, इस फिल्म का जो लीड एक्ट्रेस है यानी कि रागिनी, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, बाकी किसी की एक्टिंग उतनी ज्यादा खास नहीं है। उससे पूरी फिल्म के दौरान जो थ्रिलर चलते हुए नजर आते हैं उसी थ्रिलर के अंदर एक कमाल की फैमिली ड्रामा दिखाया गया है। सच मानो फैमिली ड्रामा मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है और वो फैमिली ड्रामा आपको इंप्रेस जरूर करेगा। उसी फैमिली ड्रामा के अंदर एक कमाल की इमोशन देखने के लिए मिलते जो कि सच में बहुत ही बढ़िया था। अब दोस्तों बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, फिल्म के फर्स्ट हाफ अच्छा था, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको काफी बढ़िया ड्रामा और उसके साथ थोड़ी बहुत थ्रिलर भी देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें फिल्म की सेकंड हाफ की, फिल्म की सेकंड हाफ काफी ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ में आपको एक बहुत ही तगड़ा थ्रिलर और साथ ही साथ एक कमाल की क्लाइमेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को मिला के देखिए फिल्म काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब दोस्तों बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग कर, फिल्म की हिंदी डबिंग ओके था, लेकिन फिल्म की हिंदी डब में जो डायलॉग लिखा गया है वो काफी ज्यादा बढ़िया था। दोस्तों ओवरऑल अगर देखें दी टेररिस्ट एक ऐसी मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म की हर एक चीज आपको इंप्रेस करने में कामयाब रहेगा। तो भाई अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई ये फिल्म देखूं या फिर ना देखूं, तो भाई मैं आपको बोलूंगा ये फिल्म आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि फिल्म काफी अच्छा और आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहेगा। दोस्तों अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया था तो आपको मूवी कैसी लगी थी वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो भाई तुरंत मूवी को देख सकते हैं, मूवी काफी बढ़िया है, जिसके हिंदी डब वर्जन की जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इतना इसकी वीडियो पसंद आए जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, अगले वीडियो तक अगला, बाय बाय, टाटा।